देखो ध्यान से समझना कि तिरुपति बालाजी में प्रसादम यानी कि सैंपल प्रसाद जिससे बनाया जा रहा था उसके सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या बात सामने आया है। कुछ साइंटिफिक नाम है जो कि पता ही नहीं चलेगा कि वो वेज है कि नॉन वेज है, तो इसको समझना पड़ेगा। आओ देखते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी में मिला सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कॉटन सीड और अलसी, ये जिसमें जिसमें ग्रीन कलर का सिंबल देख रहे हो ये सब वेज है। दिक्कत यहाँ से शुरू हुआ, फिश ऑयल, इसमें रेड सिंबल है फिश ऑयल, ठीक है। तो फिश ऑयल क्या है? मछली का तेल, जो समुद्री मछली पाई जाती है उसका तेल निकाला जाता है, मछली का तेल जो कि नॉनवेज है, ठीक है। बीफ टैलो, बीफ क्या होता है? तो जो गाय का, गाय को जो मार करके उसको धीमी आंच पर पका करके, धीमी आंच पर पकाया जाता है जिससे उसका फैट नष्ट हो जाता है और लास्ट में चिकना पदार्थ बच जाता है, उसे ही बीफ टैलो कहा जाता है। और तीसरा है लॉर्ड, ठीक है। ये लॉर्ड जो है ये नॉन वेजिटेरियन केमिकल है, नॉन वेजिटेरियन नाम है। नॉन वेजिटेरियन कैसे हुआ ये आओ समझते हैं। बीफ टैलो क्या होता है? तो जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी के जैसा दिखाई पड़ता है। लॉर्ड क्या होता है? तो यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, यह भी चिकना होता है और जिसे आसानी से मिलावट करने के लिए मिलाया जा सकता है, मिलावट किया जा सकता है। तो लॉर्ड जो है ये सुअर की चर्बी से बनता है और बीफ टैले जो है ये गाय की चर्बी से बनाया जाता है। तो तिरुपति बालाजी के बारे में समझ लो, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि तिरुपति बालाजी भारत का ऐसा सबसे पहला मंदिर है जो सबसे ज्यादा धन सरकार को कमा करके देता है। फिर तिरुपति बालाजी को ऐसा करने का, मंदिर प्रशासन को ऐसा करने का जरूरत क्या पड़ा, तो इस बात को समझो। देखो मंदिरों में, भारत का जितना भी मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण में है, बाकी जो मस्जिद है या चर्च है ये सरकारी नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड जैसा एक संस्था है जो कि ये देखता है कि हमारे यहाँ कौन सा काम मस्जिदों में सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है, क्लियर। लेकिन भारत में जो मंदिर है इसका जांच प्रशासन करता है और प्रशासन का कैसा ढीला रवैया रहता है ये तो सबको पता है, ठीक है। तो मंदिरों में हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, क्लियर। तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है और हम क्या खा रहे हैं, राइट टू फूड, यानी कि हमारा जो खाने पीने का जो चीज है, मान लीजिए जो लोग फुल्ली वेजिटेरियन है, ठीक है, फुल्ली वेजिटेरियन है, वो लोग अगर नॉनवेज खा लिए तो क्या सरकार इस पर मुआवजा देगी? नहीं देगी, ठीक है, नहीं देगी, क्योंकि आप लड्डू कब खाए हैं, क्या किए हैं, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का देखो, जब तक मंदिर प्रशासन के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा जैसे कि बाकी धर्मों में होता है, तब तक इस तरह से हम लोग गाय और सुअर का चर्बी हमेशा खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं बना रहे हैं और जो मिलावट करने वाला होता है उसका कोई ईमान नहीं होता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, तो उसका कोई ईमान नहीं होता है। मिलावट करने वाला तो मोटा पैसा के चक्कर में कुछ भी मिला के खिला देगा। इसलिए हम लोग दो तरह से इससे बच सकते हैं। पहला चीज, या तो हम लोग सारा लोग मिल करके ये मांग करें कि भाई मंदिर का जो नियंत्रण है वो सरकार के हाथ से बाहर होना चाहिए। पहला चीज, जो हिंदू धर्म का लोग है वही लोग मंदिर में रहे, जो मस्जिद में रहे वो मुस्लिम धर्म का रहे और जो चर्च में रहे वो क्रिश्चियन धर्म का रहे, क्योंकि अपने धर्म के अनुसार काम करे। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि जो लोग मिलावट करने में इस तरह से पकड़े जाए उन्हें सीधा फांसी दीजिए, उस पर कोर्ट में ट्रायल चलाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन भी है, ठीक है। तो इस तरह का चीज जो है, जैसे लॉर्ड, ये सब नॉनवेज है। और भी एक दिन हम लोग पढ़ेंगे सारा नॉनवेज का, जितना भी वैरायटी होता है उसका जो
साइंटिफिक नेम होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ताकि मान लो देश में क्या चल रहा है वो तो ठीक है, कौन मिलावट कर रहा है वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम लोग कहीं बाहर जाएं तो खाने से बचें। और दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना तो कोशिश करो प्रसाद भी नहीं खाने का। प्रसाद अगर ले जाना है अपने घर से ले जाओ, नारियल उरियल खरीद के ले जाओ, वहाँ पे चढ़ाओ और फिर वापस आओ। ये लड्डू ये सब जो भी मंदिर में प्रसाद मिलता है अब उसका बहिष्कार करने का समय आ गया है। हम हिंदुओं को और जो सनातन परंपरा को स्वीकार किए हुए हैं उनको खास तौर से प्रसाद से बचना चाहिए, क्योंकि मिलावट खोर लोग आपकी आस्था से खिलवाड़ करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। थोड़ा सा पैसा का लालच में वो कुछ भी मिला के खिला देगा। इसलिए अगर हम लोग कहीं बाहर जाएं तो अपने से प्रसाद चढ़ाना है, अपना प्रसाद लेके जाइए। और जिस मंदिर में ये कहा जाता है कि आप अपना प्रसाद लेकर घर से नहीं आ सकते हैं, वैसे मंदिरों का भी बहिष्कार करिए, ठीक है। वैसा मंदिर में हम लोग को नहीं जाना है जो घर से प्रसाद लाने पर मना करे, ठीक है। अपना नारियल ले जाइए, शुद्ध चीज ले जाइए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज ले जाते हैं तो इस तरह का धोखा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था से बहुत जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। करोड़ों लोगों का आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर दिया गया, ये फिश ऑयल बीफ टैलो और लॉर्ड ये सब मिला करके। तो हम लोग आगे से जब कभी मंदिर ये सब जाएं तो बच के रहें, जो वेजिटेरियन है वो लोग बच के रहें, जो नॉनवेज है खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वेजिटेरियन है जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं वो लोग साफ तौर पर अपना घर से सामान लेके जाइए, खाइए पीजिए, बाहर में रेस्टोरेंट ढाबा ये सब जगह जो भी खा रहे हैं उसको आप अवॉइड करिए। जब तक उसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं तब तक वहाँ पे खाइए ही, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग ये लड्डू खा लिया, हम लोग भी खा लिए, तो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ ना।